जय साहब आप खुद ही देख सकते हैं इसमें क्या है। हमने जेसीबी को बोला भी था। ये जो है पोर्शन ना, यहाँ हर साल की कहानी है। कितना दिन हो गया आपको आके यहाँ पे? अभी तो हमारा नया हो ना। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जैसे लोग, इसलिए मैं दूसरे को नहीं कर रहा, हमारे जैसे दलाल हैं वो क्या करते हैं, आप जैसे अधिकारी हमारे जैसे दलालों को पकड़ते हैं और दलालों को कुछ दे देते हैं, और दलाल क्या करते हैं गांव में चले जाते हैं, गांव से चंदा वसूल लेते हैं, और हमारे ही घर के लड़के जैसे हम ही को बोलेंगे भैया आप डूबा था चला साफ करा दा, तो घर के हमारे लड़के को भी पकड़ के ला लिए, साफ भी करा दिए, और फिर आपको पकड़ते हैं, ये बहुत परेशानी है, तो आप भी कुछ दे देते हो, और कागज़ में आप भी पूरा लंबा लिस्ट बना के, आपका भी दुकान चलता है, मेरा भी दुकान चलता है, बस ऐसे ही चल रहा है। हम आज इसलिए मैं आया हूँ, मूड बना के चल रहे हैं, हमें कई दिन से पर फोन आ रहा है कि मैं का हुई निस्तारण बतावा कैसे हुई इसमें सर। अभी तो चूंकि पानी है, हाँ अभी हम ये उसके बाद तो कोई सुनेगा नहीं, नहीं अभी लेबर सर लगा के हम, हाँ वो पुल के नीचे सर जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया है पुल पूरा, वो सर मलबा जमा है, तो वो मेन तो वो रोक रहा है सर। ओके, उसको हम लेबर लगा के साफ। ठीक, कब भैया? हम ये सर 3 से 4 दिन में हम लेबर लगा देंगे। कितने दिन का टाइम दे रहा, दूसरे दिन में कितने दिन आऊँ तो ये साफ रहे, ये लोग संतुष्ट हो जाएं। सर आज आज क्या दिन है, कौन तारीख आज? तीसरी 26 तारीख। तो आपको मैं 3 तारीख तक 4 तारीख तक दूँ समय? 5 तारीख को मुलाकात होगी, अब 5 तक नहीं होगा तब वो मलबा तो सर हटा देंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 5 तक अगर नहीं रहेगा साफ तब दोषी आप रहेंगे कि आपके एक्सचेंज आप रहेंगे? नहीं सर, पूरा हमारा पूरा प्रयास रहेगा, मैं कराऊंगा सर। प्रयास शब्द मैं नहीं जानता हूँ, मैं करा दूंगा सर। हाँ खड़ा होकर कराऊंगा। पक्का जी? खाली मामला सलटाओ देते ना? नहीं नहीं सर, वो आप लोगों का क्या इच्छा है? हाँ हाँ बताएं। नरंगाबाद से लेकर यहाँ तक हाँ इतनी काई जमी हुई है, इतनी कुंभी है कि वही प्रॉब्लम, मतलब मेन प्रॉब्लम वही है, तब वहाँ से पानी नहीं आ। क्या बोल रहे हैं? पहले सर, पहले जो ये मुंह है पहले इसको हम लोग साफ कर देते हैं, तभी वो पानी खींच पाएगा। हाँ ठीक, उसके बाद से सर अगर नहीं खींचता है हाँ। तो फिर उस पर हाथ लगा देंगे या हम और नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा सर, वहाँ चल के देखें आप एक बार। मालूम है साफ हुआ है, लेकिन उसके अगवा वो पुलवा का टूटल का कुल नीचवा गिरा था, आप लोगों के लफड़ा है, पीडब्ल्यूडी कह रहे हैं नीचे गिर गया, और मेरा नहीं वो बंदी का है, और आप लोग कह रहे पीडब्ल्यूडी का, पहले तो वो तो झगड़ा निपे उसमें हम सर कोई ठीक है, मलबा तो उन्हीं का है। हाँ मलबा तो उनका है, वो सब जानते हैं। सर हमारे ड्रेन में गिरा है, हाँ उसको मैं साफ, वो साफ करेंगे बस, मतलब आप कबूल कर रहे हैं कल को झगड़ा नहीं रहेगा? कोई झगड़ा कन्फर्म जी सर, तो इसको साफ करा देंगे और ये भी साफ हो जाएगा। ये सर पानी सूखेगा तो मैं अगले साल सूखा, क्योंकि सर जेसीबी इसमें एकदम घुसने के लिए तैयार नहीं है। जेसीबी नहीं, इटैची करिए ना, जो चैन वाली आती है ना उसको कराइए। उसमें सर एक बार लगाए थे वो हमने उस, अरे वो चैन वाली बड़ी जो पोकनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोकलेन, वो सर उसमें धंसने का चांस है। पोकलेन जी सर, कहाँ से बात कर रहे हो यार? ऑपरेटर बुलाया था और वो ठेकेदार दिखाए भी उसको, हाँ तो वो बोला कि हम घुसेंगे नहीं, इसलिए हमने जेसीबी लगाया, तो वो जेसीबी कैसे लगाओगे इसमें, जेसीबी कहाँ चलेगी यार, पोकलेन चलेगी इसमें? ये बोलो उसका चार्ज ज्यादा लेते हैं इसलिए आप लोग दोगे नहीं? पोकलेन चला था इसमें, हाँ चल रही है, माजना पोकलेन चली या तू ना चली, निकाल के बाहर रखे, जेसीबी नहीं चलेगा इसमें। अभी सर फिलहाल मैं वो करा देता हूँ और इसका हम देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, अगर नहीं हो सर अगस्त की गर्मी में इसको करा देंगे, थोड़ा सा पानी कम होगा हम इसको करा देंगे, 100% करा देंगे सर। पहले सर वहाँ का आप एक बार मलबा देख लें, मेन वही रोक रहा है सर, वहाँ पे एकदम बिल्कुल नाली की तरह होगी। गलत है, आप चल के देखिए, बल्कि हमें निवेदन कर रहे हैं पानी ना उसकी सर सफाई पिछले वर्ष कराई गई ड्रेन की। क्या मामला है यहाँ किसानों का? ये बंधी डिवीजन का मामला है हमारे हेतमपुर डैम का, और यहाँ पे किसान जुटे थे, बुलाए कि विधायक जी ये पानी नहीं निकल रहा है, बारिश होने के बाद और तकलीफ होगी, मैं बुलाया था यहाँ पर, जेई आए थे और एक्सीएन इनके 10 दिन का टाइम लिया है कि 10 दिन के अंदर इसको साफ करा दिया जाएगा, अगर 10 दिन के बाद ये साफ नहीं होती तो 10वें दिन एक्सीएन और जेई को इसी में खुदा कर साफ करवाने का काम करूँगा। जय हिंद जय।